अल्लाह ताला ने कायनात को बहुत खूबसूरत और दिलफरेब अंदाज़ में तख्लीक किया है। तख्लीक कार ने हैवानात, नबातात और जमादात को खूबसूरत और मुनफरद शक्लें दी हैं, और ये हुस्ने इत्तेफाक है कि कायनात की ये तमाम शक्लें ज्योमेट्री की कोई ना कोई शक्ल बनाती हैं। खुद इंसान की तामीर करदा इन खूबसूरत और बुलंद बाला इमारतों को देखिए, आपको इनमें मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स नज़र आएंगी। इसी तरह ये रवान दवा नहरें और बड़े बड़े पुल तमाम ज्योमेट्री की मुख्तलिफ अशकाल के नमूने पेश करते हैं। खेलों की ये स्टेडियम भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर बने हुए हैं। इसके अलावा तारीखी अहमियत की बहुत सी इमारतें भी ज्योमेट्रिकल अशकाल की शाकार मिसालें हैं, मसलन एहराम मिस्र और जैपनीज पगोडास, ये दोनों ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पे बने हुए हैं। दरियाओं और खूबसूरत झीलों में चलने वाली कश्तियों को ज़रा गौर से देखें, कश्ती पर बने हुए बादबान भी ज्योमेट्री की एक शक्ल बनाते हैं। कुछ हैवानात में भी अशकाल बनाने का शऊर पाया जाता है। परिंदों के बनाए हुए घोंसले, मकड़ी के बुने हुए जाले और शहद की मक्खी के छत्ते, ये सब मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको हैरत में डाल देंगे। हमारा आज का प्रोग्राम भी ज्योमेट्री की चंद अशकाल से मुतालिक है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने ज्योमेट्री के चंद बुनियादी अनासिर यानी नुकात, खत मुस्तकीम और मस्तवी के बारे में बात की थी। इसी तरह हमने शुआओं और जावियों के बारे में सीखा था और उनसे मुतालिक चंद पोस्टुलेट भी बयान किए थे। आज के प्रोग्राम में हम आपको जावियों की चंद अकसाम के बारे में बताएंगे। इसके अलावा ट्रायंगल्स यानी मुसलस और उनकी अकसाम के बारे में बातचीत होगी। तो आइए पहले जावियों से मुतालिक चंद डेफिनेशंस को देखते हैं। एंगल यानी जाविया दो गैर हमखत हमसिरा शुआओं का यूनियन होता है। ये पॉइंट ए इसका वर्टेक्स यानी रास कहलाता है, और शुआ ए बी और ए सी इस एंगल के आर्म्स यानी बाजू हैं। नाज़रीन, एंगल यानी जाविये की डेफिनेशन जानने के बाद अब हम एंगल्स की चंद इकसाम के बारे में बात करते हैं। अगर दो जावियों की मेजरमेंट यानी पैमाइश बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स यानी मुतमासिल जाविये कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये दो एंगल्स लें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चूंकि इनकी मेजरमेंट्स बराबर हैं तो इस तरह ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स यानी मुतमासिल जाविये हुए। आइए इसकी एक और मिसाल देखते हैं। अगर हम ये दो एंगल्स एंगल ए और एंगल बी लेते हैं इस तरह से कि मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी दोनों बराबर हैं 60 डिग्रीज़ के, तो चूंकि दोनों की मेजरमेंट्स बराबर हैं इस तरह एंगल ए और एंगल बी आपस में कॉन्ग्रुएंट एंगल्स यानी मुतमासिल जावी हुए। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। अब हम एडजेसेंट एंगल्स यानी मुतसला जावियों के बारे में जानते हैं। एडजेसेंट एंगल से मुराद वो दो जाविये हैं जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो और उनका एक बाजू भी मुश्तरक हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्यू पी आर और एंगल आर पी एस एडजेसेंट एंगल्स यानी मुतसला जावे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट पी इनका कॉमन वर्टेक्स है। इसी तरह ये रे पी आर इसकी कॉमन साइड है। आइए अब देखते हैं कि वर्टिकल एंगल्स यानी राशि जावियों से क्या मुराद है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को कता करें
तो इनके नॉन एडजेसेंट एंगल्स वर्टिकल एंगल्स यानी राशि जाविये कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये दो लाइंस लें जो कि इस पॉइंट पे एक दूसरे को खता कर रही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ये पॉइंट इनका कॉमन वर्टेक्स और ये इनका कॉमन बाजू है, जबकि ये दो ग्रीन एंगल्स नॉन एडजेसेंट एंगल्स यानी गैर मुतसिला जाविये हैं। तो इस तरह ये दोनों एंगल्स वर्टिकल एंगल्स यानी राशि जाविये हुए। अब हम इसे एक शक्ल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर ये दो लाइंस L और M हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस तरह ये चार एंगल्स 1, 2, 3, 4 मिलते हैं। यहाँ आप देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, जबकि एंगल 1 और एंगल 3 नॉन एडजेसेंट यानी गैर मुतसला जाविये हैं। इस तरह डेफिनेशन के रूप से एंगल 1 और एंगल 3 दोनों वर्टिकल एंगल्स हुए। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 भी वर्टिकल एंगल्स हैं। आइए अब हम वर्टिकल एंगल से मुतालिक एक थ्योरम यानी मसले पर गौर करते हैं। दो मुतकाते खतूत से बनने वाले राशि जाविये कॉन्ग्रेंट यानी मुतमासिल होते हैं। अब हम इसका सबूत निकालते हैं। फर्ज कीजिए कि हम ये दो खतूत L और M लेते हैं जो कि इस पॉइंट O पे एक दूसरे को कता कर रहे हैं। इस तरह हमें ये चार एंगल्स 1, 2, 3 और 4 मिलते हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। आइए इसका प्रूफ निकालते हैं। इस शक्ल को गौर से देखिए, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों की मिकदारों का मजमुआ 180 डिग्रीज है। इस तरह हमें ये इक्वेशन मिली, एंगल 1 मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 बराबर है 180 डिग्रीज। फर्ज कीजिए कि ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 3 भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस तरह हमें ये इक्वेशन भी मिलती है, मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 बराबर है 180 डिग्रीज के। फर्ज कीजिए कि ये इक्वेशन 2 है। अब चूंकि इक्वेशन 1 और 2 के सीधे हाथ की वैल्यूज़ बराबर है, इसलिए इसके बाएं हाथ की वैल्यूज़ भी बराबर होंगी, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 बराबर है मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 की। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम मेजर ऑफ एंगल 2 मनफी करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 माइनस मेजर ऑफ एंगल 2 बराबर है मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 माइनस मेजर ऑफ एंगल 2। दूसरे लफ्ज़ों में हमें ये इक्वेशन मिलती है, मेजर ऑफ एंगल 1 इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3 यानी एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। इसी तरह हम ये भी शो कर सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं यानी एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। नाज़रीन, अब हम ये जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स यानी अंदरूनी और बैरूनी जावियों से क्या मुराद है। आइए इसे एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हम ये दो लाइंस L और M लेते हैं जिनको ये लाइन N दो पॉइंट्स A और B पर कता कर रही है। इस तरह हमें ये 8 जाविये मिलते हैं।
एंगल वन, टू, थ्री, एंगल फोर और एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन और एंगल एट। यहाँ आप देखिए कि ये चारों एंगल्स, एंगल थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, इन दोनों लाइंस एल और एम के अंदर की तरफ बने हुए हैं। ये चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स यानी अंदरूनी जाविये कहलाते हैं। इसी तरह एंगल वन और एंगल टू और एंगल सेवन और एट, ये चारों इस लाइन एल और एम के बाहर की तरफ बने हुए हैं, इसलिए ये एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स यानी बैरूनी जाविये कहलाते हैं। नाज़रीन, अंदरूनी और बैरूनी जावियों को समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स यानी मुतबादला जावियों से क्या मुराद है। इसे हम एक मॉडल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट कीजिए कि ये दो लाइंस M और N हैं और इसे ये ख़त L इन दो पॉइंट्स A और B पर कता कर रहा है। दो ऐसे अंदरूनी जाविये जिनमें से एक का वर्टेक्स A और दूसरे का वर्टेक्स B हो और इनके अंदरूनी ख़त काते की मतजाद तरफों पर वाक़िया हों, अल्टरनेट एंगल्स यानी मुतबादला जाविये कहलाते हैं। आइए इसे हम बोर्ड पे समझते हैं। फर्ज़ कीजिए कि ये दो लाइंस L और M हैं जिसको ये लाइन N कता कर रही है दो पॉइंट्स A और P पर। यहाँ पर ये दो एंगल्स 1 और 2 इसके इंटीरियर एंगल्स हैं जिसमें एंगल 1 का वर्टेक्स A और एंगल 2 का वर्टेक्स B है और ये दोनों एंगल्स इस लाइन N के मुतजाद तरफों पर वाक़िया हैं। इस तरह ये पेयर एंगल 1 और एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल्स का जोड़ा है। इसी तरह ये दो एंगल्स 3 और 4 भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हमें ये पेयर मिला एंगल 3 और एंगल 4 का जो कि अल्टरनेट एंगल्स यानी मुतबादला जाविये हैं। अब हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी मुतनाज़रा जावियों के बारे में जानते हैं। ऐसे दो जाविये जिनमें से एक इंटीरियर हो और दूसरा एक्सटीरियर और इनके अंदरूनी ख़त काते के एक ही तरफ वाक़िया हों, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी मुतनाज़रा जाविये कहलाते हैं। आइए इसे हम एक मॉडल की मदद से समझते हैं। फर्ज़ कीजिए कि ये दोनों लाइंस L और M हैं जिन्हें ये लाइन कता कर रही है इन दो पॉइंट्स A और B पे। यहाँ आप देखिए कि ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल इंटीरियर एंगल और ये दोनों एंगल्स इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के एक ही तरफ वाक़िया है। इस तरह ये दोनों एंगल्स कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। इसे हम बोर्ड पे समझते हैं। मसलन यहाँ अगर हम ये दो लाइंस L और M लें जिसे लाइन N इन दो पॉइंट्स A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल और ये इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन N के एक ही तरफ वाक़िया है। इस तरह हमें कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का ये पेयर मिलता है। इसी तरह ये दोनों एंगल्स एंगल 3 और एंगल 4 भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो हमें ये पेयर मिला एंगल 3 और एंगल 4 का। यूं ही एंगल 5 और एंगल 6 भी कॉरिस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं और एंगल 7 और एंगल 8 भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो हमें ये पेयर्स मिलते हैं एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8।
यानी ये चारों पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी मतनाजरा जावियों के जोड़े हैं। नाजरीन, अभी हमने आपको एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया। आइए इनकी डेफिनेशंस को एक बार फिर मॉडल्स की मदद से दोहरा लेते हैं। फर्ज कीजिए कि हम ये दो लाइंस लेते हैं जो कि इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ आप देखिए कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट इनका कॉमन वर्टेक्स और ये इनका कॉमन बाजू है। और ये दोनों ग्रीन एंगल्स नॉन एडजेसेंट एंगल्स यानी गैर मुतसला जाविये हैं, तो ये दोनों वर्टिकल एंगल्स यानी राशि जाविये कहलाते हैं। आइए एक और मिसाल पर गौर करते हैं। यहाँ पर ये दो लाइन्स हैं जिनको ये लाइन इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ आप देखिए कि ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये इन दोनों लाइन्स के अंदर की तरफ वाक़िया हैं। और ये चूंकि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के मतजाद तरफों पे वाक़िया हैं, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह ये एंगल इंटीरियर एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों एंगल्स इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के एक ही तरफ वाक़िया हैं। इस तरह ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने। नाज़रीन, एंगल्स की मुख्तलिफ़ किस्मों को जानने के बाद अब हम ट्रायंगल्स यानी मुसलस के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल या मुसलस एक बंद क्लोज फिगर है जिसके तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। आइए इसे मॉडल की मदद से समझते हैं। मुसलस से मुराद एक त्रिकोण शक्ल है जिसके तीन साइड्स यानी ज़िले होते हैं और तीन एंगल्स यानी जाविये होते हैं। आइए मुसलस की डेफिनेशन को आप बोर्ड पर समझते हैं। अगर ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी गैर हमखत नकात हों, तो फिर लाइन सेगमेंट ए बी यूनियन बी सी यूनियन सी ए बराबर होता है ट्रायंगल ए बी सी के। यहाँ पर ट्रायंगल के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। ये लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी और सी ए इस ट्रायंगल के साइड्स यानी ज़िले कहलाते हैं, और पॉइंट्स ए बी सी इसके वर्टिसेस यानी रास हैं। अहराम मिस्र की साइड्स और कश्ती के बालबान दोनों मुसलस बनाते हैं। अब हम आपको ट्रायंगल्स की चंद किस्मों के बारे में बताते हैं। इसे हम मॉडल्स की मदद से समझाते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स की लंबाई बराबर हो तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी मसावियुस साकेन मुसलस कहते हैं। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लंबाई बराबर हो तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी मसावियुल अज़ला मुसलस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इस प्रिज्म की ये साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, क्योंकि इसके तीनों साइड्स की लंबाई बराबर है। इसी तरह अगर किसी मुसलस के तीनों साइड्स की लंबाई मुख्तलिफ हो तो उसे स्केलिन ट्रायंगल यानी मुख्तलिफुल अज़ला मुसलस कहते हैं। ये तो थी ट्रायंगल्स की तीन किस्में यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के साइड्स यानी अज़ला के लिहाज से। अब हम आपको ट्रायंगल्स के एंगल्स यानी जावियों के लिहाज से उसकी तीन और किस्मों के बारे में बताते हैं।
अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो तो उसे अक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी हादत ज़ाविया मसलस कहते हैं, और अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो यानी वो 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी मुनफरजत ज़ाविया मसलस कहते हैं। इसी तरह अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्रीज का हो यानी वो राइट एंगल या कायमा ज़ाविया हो तो उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल यानी कायमत ज़ाविया मसलस कहते हैं। नाज़रीन, ट्रायंगल्स की चंद किस्मों को जानने के बाद अब हम कोई सी दो ट्रायंगल्स के दरमियान वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस यानी एक से एक मुताबिकत के बारे में बात करते हैं। इसको समझाने के लिए पहले हम एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम दो ट्रायंगल्स लेने के बजाय एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर लेते हैं। यहाँ ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं और स्क्वायर की चार साइड्स, तो इस तरह हम इनके साइड्स में एक से एक मुताबिकत नहीं बना सकते। इसी तरह चूंकि ट्रायंगल्स में तीन एंगल्स यानी ज़ाविये होते हैं और स्क्वायर में चार एंगल्स, तो इस सूरत में हम इन ट्रायंगल और स्क्वायर के एंगल्स में भी एक से एक मुताबिकत नहीं बना सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि हर ट्रायंगल के तीन साइड्स और तीन ज़ाविये होते हैं, इसलिए कोई सी दो ट्रायंगल्स के दरमियान वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस यानी एक से एक मुताबिकत पैदा करना मुमकिन होता है क्योंकि इनके साइड्स और ज़ावियों की तादाद बराबर होती है। आइए इसके बारे में एक मिसाल देखते हैं। इन दो ट्रायंगल्स ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को देखिए। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी मुताबिक है ट्रायंगल डी ई एफ के। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस यानी एक से एक मुताबिकत के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। यहाँ ट्रायंगल ए बी सी मुताबिक है ट्रायंगल डी ई एफ से मुराद ये है कि इन एंगल्स के जोड़े यानी एंगल ए एंगल डी एंगल बी एंगल ई और एंगल सी एंगल एफ यानी एंगल सी एंगल एफ, ये तमाम जोड़े बाहम मुताबिक ज़ावियों के जोड़े हैं और ये जोड़े साइड्स के साइड ए बी साइड डी ई इसी तरह साइड बी सी और ई एफ और साइड सी ए और एफ डी सी ए और एफ डी, ये तमाम जोड़े बाहम मुताबिक अज़ला के जोड़े हैं। दो ट्रायंगल्स ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ के दरमियान ये छह मुताबिकतें कायम की जा सकती हैं, यानी ट्रायंगल ए बी सी मुताबिक है ट्रायंगल डी ई एफ के। इसी तरह ए बी सी मुताबिक है डी एफ ई के, या ट्रायंगल ए बी सी मुताबिक है ई एफ डी के, और यही ट्रायंगल मुताबिक हो सकता है ट्रायंगल ई डी एफ के। इसी तरह हम इसकी दो और मुताबिकतें बनाते हैं ट्रायंगल ए
बी सी मुताबिक है ट्राइंगल एफ ई डी के या ट्राइंगल ए बी सी मुताबिक है एफ डी ई के। अब हम आपको सिमिलर ट्राइंगल्स यानी मुतशाबा मुसलसों के बारे में बताते हैं। अमली ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हमारे मुशाहदे में आती हैं जो कि शक्ल में तो एक जैसी होती हैं मगर उनके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। जब हम शूज़ ख़रीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर एक ही डिज़ाइन के मुख्तलिफ साइज़ के शूज़ नज़र आते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी तस्वीर मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ साइज़ों में बनवाए तो सभी तस्वीर एक जैसी होंगी अगरचे इनके साइज़ छोटे बड़े हों। ऐसी अशिया को जिनकी शक्लें तो एक जैसी हों मगर साइज़ मुख्तलिफ हों मुतशाबा कहते हैं। ज्योमेट्री में सिमिलर फिगर्स का मुतालिया नहायत ही दिलचस्प और मुफीद है। आज हम आपको कोई से दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के बारे में बताते हैं। कोई सी दो ट्राइंगल्स उस वक्त सिमिलर होती हैं जबकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी मुतमासिल हो। आइए इसे मॉडल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हम ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए। आइए इसे हम बोर्ड पर समझते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हम ये दो ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी सी और टी ई एफ लेते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की एक से एक मुताबिकत में अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट हों, इसी तरह एंगल बी और एंगल ई भी कॉन्ग्रुएंट हों, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, तो इस सूरत में ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाती हैं। यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। यहाँ पर सिमिलर के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, आज हमने आपको एंगल्स की चंद अकसाम मसलन वर्टिकल एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया। इसके अलावा मुख्तलिफ मिसालों की मदद से ट्राइंगल्स और उनकी चंद अकसाम भी बताएं। हमें उम्मीद है कि इससे आपको ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिली होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणियात से मुतालिक है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताएंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के रिलेशंस के मुतालिक भी बात होगी और मुख्तलिफ मिसालों की मदद से किसी जगह की नामालूम बुलंदी या फासला मालूम करने के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या मुराद है। नाज़रीन, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणियात से मुराद है मुसल्लस की पैमाइश करना। ये लफ्ज़ तीन यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है, ट्राई यानी तीन, कोनिया से मुराद है जाविये, और मीट्रन के मानी है नाप या पैमाइश के। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से फ़ायदे हैं और इनमें से एक फ़ायदा ये है कि अगर हमें चंद जावियों या ज़िलों की मिकदारें दी गई हों तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ऐसी चीज़ों की बुलंदी या ऐसे मकामात का फासला मालूम कर सकते हैं जो कि हमारी पहुंच से बाहर हों। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचे बगैर उसकी बुलंदी मालूम करना चाहते हैं, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जब भी कोई सुरंग निकाली जाती है तो इसके दोनों सिरों से खुदाई शुरू करते हैं। अब ये मालूम करना कि दोनों जानिब से किस सिमत में खुदाई की जाए कि दोनों सुरंगें एक मकाम पर मिलें, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए मुमकिन है। और इसी तरह किसी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे का फासला भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मालूम किया जा सकता है। नाज़रीन, ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए नामालूम फासलों और बुलंदियों का हल निकालने से पहले आइए हम ट्राइंगल की डेफिनेशन को जानते हैं। ट्राइंगल यानी मुसल्लस से मुराद एक त्रिकोण शक्ल है जिसके छः अज्जा यानी तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। अब हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। इसे हम बोर्ड पे समझते हैं। फर्ज कीजिए कि हम ये ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स ए बी सी इस ट्राइंगल के वर्टिसेस यानी रास हैं और ये एंगल्स एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इसके एंगल्स यानी जाविये हैं। यहाँ पर आप देखिए कि एंगल बी की मेजरमेंट 90 डिग्रीज है यानी एंगल बी कायम जाविया है। तो इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। फर्ज कीजिए कि हम इस एंगल सी को किसी यूनानी लेटर थीटा से ज़ाहिर करते हैं, यानी मेजर ऑफ एंगल सी बराबर है थीटा के। अब हर एंगल के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं। मसलन ए के ऑपोजिट साइड बी सी की लेंथ ए होगी, इसी तरह एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी की लेंथ बी और सी के ऑपोजिट साइड की लेंथ सी होगी। नाज़रीन, अब हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी त्रिकोणियाती नस्बतों से क्या मुराद है। इसे हम पहले मॉडल से समझते हैं। किसी राइट एंगल ट्राइंगल के कोई से दो साइड्स की रेशियोज़ यानी नस्बत को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी त्रिकोणियाती नस्बत कहते हैं। आइए इसे हम बोर्ड पे समझते हैं। फर्ज कीजिए कि हम ये ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं जहाँ पे एंगल बी राइट एंगल है और एंगल सी की मेजरमेंट थीटा है। इस एंगल ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ ए है, इसी तरह बी के ऑपोजिट साइड की लेंथ बी और एंगल सी के ऑपोजिट साइड की लेंथ सी है। अब हम इन साइड्स ए बी सी में ये छह नस्बतें कायम कर सकते हैं। ए ओवर बी, बी ओवर ए, ए ओवर सी, सी
ओवर ए और पी ओवर सी, सी ओवर पी। अब हम इस रेशियो सी ओवर पी को डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देखिए कि सी इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर यानी उमूद की लंबाई और पी इसके हाइपोटेन्यूस यानी वतर की लंबाई है। तो इस तरह से सी ओवर पी बराबर होगा उमूद बटे वतर के, यानी सी ओवर पी बराबर है उमूद बटे वतर के। इसे हम साइन ऑफ थीटा से डिनोट करते हैं और यूं लिखते हैं, साइन थीटा बराबर है सी ओवर पी यानी उमूद बटे वतर के। इसी तरह ट्राइंगल में अगर हम ये रेशियो लें ए ओवर बी, जबकि ए इसके बेस यानी कायदे की लंबाई और बी इसके हाइपोटेन्यूस यानी वतर की लंबाई है, तो इस सूरत में ए ओवर बी बराबर होगा कायदा बटा वतर के, यानी ए ओवर बी बराबर है कायदा बटा वतर के। इसे हम कोसाइन ऑफ थीटा से डिनोट करते हैं और यूं लिखते हैं, कॉस ऑफ थीटा बराबर है कायदा बटा वतर के। इसी तरह इस ट्राइंगल में अगर हम इसके परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो लें यानी सी ओवर ए, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, सी ओवर ए बराबर है उमूद बटे कायदा के। इसे हम टेंजेंट ऑफ थीटा से जाहिर करते हैं और यूं लिखते हैं, टेन ऑफ थीटा बराबर है सी ओवर ए यानी कायदा बटे उमूद बटे कायदा के। अब हम बाकी तीनों रेशियोज मालूम करते हैं। यहाँ आप देखिए कि बी ओवर सी बराबर है वतर बटे उमूद के। इसे हम कोसेकेंट ऑफ थीटा से जाहिर करते हैं और यूं लिखते हैं, सेकेंट थीटा बराबर है बी ओवर सी के यानी वतर बटे उमूद के। इसी तरह सेकेंट ऑफ थीटा बराबर होता है पी ओवर ए के यानी वतर बटा कायदा। और कोटेंजेंट ऑफ थीटा जिसे हम कॉट थीटा से जाहिर करते हैं वो बराबर होता है ए ओवर सी के यानी कायदा बटा उमूद। यहाँ एक बात आप नोट कर लें कि साइन थीटा बराबर है सी ओवर बी और कोसेकेंट थीटा बराबर है बी ओवर सी, यानी साइन थीटा बराबर है वन ओवर कोसेकेंट थीटा। दूसरे मानों में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा दोनों माकूस राबते यानी रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। इसी तरह कॉस थीटा बराबर है ए ओवर बी और सेकेंट थीटा बराबर है बी ओवर ए, तो कॉस थीटा और सेकेंट थीटा ये दोनों भी रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। और इसी तरह टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी, तो इस तरह टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी माकूस रबते हैं। ये बात याद रखिए कि ये तमाम रेशियोज इसी एंगल थीटा की नस्बत से ली गई हैं। आइए इन्हें एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी उमूद बटे वतर के। कोसाइन थीटा बराबर होता है बेस
ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कायदा बटा बतर के। इसी तरह टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी उमूद बटे कायदे के, और कोसेकेंट थीटा बराबर है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर यानी वतर बटे उमूद के। इसी तरह सेकेंट थीटा बराबर है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस यानी वतर बटे कायदे के, और कोटेंजेंट थीटा बराबर है बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी कायदा बटे उमूद के। नाज़रीन, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बाहमी ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से मुराद वो दो जाविये हैं जिनकी मकदारों का मजमुआ 90 डिग्रीज होता है। तो आइए किसी एंगल थीटा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानते हैं। इसे हम बोर्ड पर समझते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी राइट एंगल यानी कायम ज़ाविया है। तो इस तरह मेजर ऑफ एंगल बी बराबर होगा 90 डिग्रीज, और एंगल सी थीटा के बराबर है तो मेजर ऑफ एंगल सी बराबर है थीटा के। जैसा कि आप जानते हैं कि हर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की मकदारों का मजमुआ हमेशा 180 डिग्रीज होता है, तो इस तरह हमें ये इक्वेशन मिलती है मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी बराबर है 180 डिग्रीज। यानी मेजर ऑफ एंगल ए बराबर होगा 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल बी माइनस मेजर ऑफ एंगल सी के, जो के बराबर है 180 माइनस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा के। यहाँ आप देखिए कि एंगल सी की मेजरमेंट थीटा है और एंगल ए की मेजरमेंट 90 माइनस थीटा है, तो इस तरह से एंगल सी और एंगल ए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए क्योंकि इन दोनों की मकदारों का मजमुआ 90 डिग्रीज है। यानी मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी बराबर है 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, जो कि 90 डिग्रीज है। अब हम इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। इससे पहले हम हर एंगल के ऑपोजिट साइड की लेंथ लेते हैं, यानी एंगल ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ ए होगी, इसी तरह एंगल बी के ऑपोजिट साइड की लेंथ बी, और एंगल सी के ऑपोजिट साइड की लेंथ सी है। अब हम साइन थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यूज मालूम करते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल ए बी सी में ये इस एंगल थीटा को कंसिडर करें तो साइन ऑफ थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी सी ओवर बी के। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी। इसी तरह अगर हम ये ट्राइंगल लें सी बी ए जिसमें हम इस एंगल 90 माइनस थीटा को कंसिडर करें, तो इस सूरत में ये साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी और ये इसकी बेस, और ए सी इसका हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस सूरत में कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी सी ओवर बी के। इसे हम यहाँ लिखते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी।
अब इन दो इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिली, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। बिल्कुल इसी तरह हम ये बाकी रिलेशंस भी निकाल सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसी तरह कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंट ऑफ थीटा एंड सेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ थीटा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर ट्रायंगल के 6 अज्जा होते हैं, यानी 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर हमें इनमें से 3 अज्जा जिनमें कम से कम एक ज़िला मालूम हो, तो फिर हम उस ट्रायंगल के बाकी 3 अज्जा भी मालूम कर सकते हैं। किसी ट्रायंगल के नामालूम अज्जा को मालूम करने के अमल को सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल यानी मसलस का हल करना कहते हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल को हल करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यानी मसलस फीसागोरस इस्तेमाल करते हैं। आइए पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं। किसी कायमत जाविया मसलस में फतर की लंबाई का मुरब्बा बाकी दोनों ज़िलों की लंबाई के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है, यानी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए 45, 60 और 30 डिग्रीज के एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करते हैं। आइए पहले हम 45 डिग्रीज के एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के बारे में जानते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्रीज का एंगल है और एंगल सी की मेजरमेंट 45 डिग्रीज है, यानी मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और मेजर ऑफ एंगल सी बराबर है 45 डिग्रीज की। अब चूंकि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के मकदारों का मजमूआ 180 डिग्रीज के बराबर है, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इससे हम मेजर ऑफ एंगल ए निकाल सकते हैं जो कि इसके बराबर है, मेजर 180 डिग्रीज माइनस मेजर ऑफ एंगल सी माइनस मेजर ऑफ एंगल बी, यानी 180 माइनस 45 माइनस 90 जो के बराबर है 45 डिग्रीज के, यानी मेजर ऑफ एंगल ए भी 45 डिग्रीज। यहाँ आप एक बात नोट कर लीजिए कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स की मेजरमेंट बराबर हो, तो उसके ऑपोजिट साइड्स की लेंथ की मेजरमेंट भी बराबर होती है, यानी इस एंगल सी के ऑपोजिट साइड सी है और एंगल ए के ऑपोजिट साइड ए है, तो इस सूरत में ए बराबर होगा सी के, यानी ए इज इक्वल टू सी। अब हम इस ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी बी स्क्वेयर
is equal to c square plus a square. अब चूंकि a बराबर है c के, तो हमें ये इक्वेशन मिली, b square is equal to a square plus a square, यानी b square is equal to 2a square, या b is equal to under root 2a. दूसरे लफ्जों में हमें इस ट्राइंगल की ये लेंथ मिलती है, b is equal to under root 2a, c is equal to a. अब हम इस ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं. अगर हम ये एंगल 45 डिग्रीज लें, तो फिर इस सूरत में साइन ऑफ 45 चूंकि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो फिर ये इक्वेशन मिलेगी, साइन ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ओवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2a, यानी ये बराबर होगा 1 ओवर अंडर रूट 2 के. इसी तरह कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी a ओवर रूट 2a. तो फिर कॉस 45 बराबर होगा a ओवर रूट 2a, जो के बराबर है 1 ओवर अंडर रूट 2. अब चूंकि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, तो हम टेंजेंट ऑफ 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं. टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर रूट 2, जो के बराबर है 1 ओवर रूट 2 इंटू रूट 2, यानी टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज बराबर होता है 1 के. इसी तरह चूंकि कंटेंजेंट ऑफ 45 बराबर होता है 1 ओवर टेंजेंट ऑफ 45 के, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल रिलेशंस है, तो इस सूरत में कोटेंजेंट ऑफ 45 की वैल्यू भी बराबर होगी 1 के. इसी तरह हम साइन का रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं, जो कि कोसेकेंट के बराबर है. कोसेकेंट ऑफ 45 बराबर होगा अंडर रूट 2 के. इसी तरह सेकेंट ऑफ 45 डिग्रीज, जो के बराबर होता है 1 ओवर कॉस ऑफ 45 के, ये भी बराबर होगा अंडर रूट 2 के. नाज़रीन, अभी हमने 45 डिग्रीज के एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम की. बिल्कुल इसी तरह हम 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज के रेशियोज भी मालूम कर सकते हैं. इन वैल्यूज़ की हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से किसी चीज़ की बुलंदी या लंबाई मालूम करना चाहें. आइए इसके बारे में एक मिसाल देखते हैं. फ़र्ज़ कीजिए कि एक सीढ़ी दीवार के साथ यूं लगाई गई है कि वो ज़मीन के साथ 60 डिग्रीज का जाविया बनाती है और दीवार के साथ 60 डेसीमीटर की बुलंदी तक पहुंचती है. हमने इस सीढ़ी की लंबाई मालूम करनी है. इस मिसाल में हमने जो कुछ देखा, इसे बोर्ड पे बनाने से हमें ये फिगर मिलती है. फर्ज़ कीजिए कि ए बी वो सीढ़ी है जिसकी लंबाई हमने मालूम करनी है. हमें ये दिया गया है कि सीढ़ी ए बी इस हॉरिजॉन्टल लाइन बी सी के साथ 60 डिग्रीज का जाविया बनाती है. दीवार के साथ सीढ़ी की बुलंदी 60 डेसीमीटर है, यानी हमें ये इक्वेशन मिलेगी, मेजर ऑफ साइड ए सी बराबर है 60 डेसीमीटर के. और हमने चूंकि
सीढ़ी की लंबाई मालूम करनी है तो हमें ये मालूम करना होगा, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट। अब ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेन्यूज की लंबाई मालूम करनी है, इसलिए हम साइन ऑफ 60 की वैल्यू लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है, यानी साइन 60 बराबर है मेजर ऑफ ए सी ओवर मेजर ऑफ ए बी के, जो कि बराबर है 60 ओवर मेजर ऑफ ए बी। अब चूंकि साइन ऑफ 60 बराबर होता है रूट 3/2 के, यानी साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3/2, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है रूट 3/2 इज इक्वल टू 60 ओवर मेजर ऑफ ए बी, यानी मेजर ऑफ ए बी बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 60 ओवर रूट 3/2, जिसे हम रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, मेजर ऑफ ए बी इक्वल टू 69.28 डेसीमीटर, जो कि सीढ़ी की लंबाई है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।